सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद कर रहा हूँगा और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बोर्ड्स के लिए अपने। और ये हमारे हिस्ट्री का अब चौथा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो कि है आपका महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी, देखो मैंने तीन चीज़ आपको बताई थी, एक था अर्ली नेशनलिस्ट फेज, एक था असर्टिव फेज, और ये अब हम आ गए गांधीयन एरा पे। मतलब 1919 से लेकर 1948 तक क्या क्या गांधी के थ्रू, महात्मा गांधी के थ्रू हम लोगों ने अपने देश के अंदर तरह तरह के चेंजेस देखे और तरह तरह के डेवलपमेंट्स देखे, और सबसे बड़ी चीज़ हमने इंडिपेंडेंस पाई। ठीक है, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ बिना ज़्यादा इधर उधर की बात किए हुए, और अब हम देखेंगे अपना हिस्ट्री का चौथा चैप्टर। चैप्टर को तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट होके चैप्टर फिनिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी के अर्ली लाइफ पे। महात्मा गांधी का मतलब जन्म 1969 में पोरबंदर में हुआ, जो कि एक गुजरात में एक विलेज टाइप होता है। इनके फादर एक स्टेट में दीनार, अरे दीवान थे, मतलब जो रिपोर्ट्स इधर उधर करते हैं। तो ये गए, इन्होंने पढ़ाई की, इंग्लैंड गए, वहाँ से इन्होंने लॉ की पढ़ाई करने के बाद ये इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आने के बाद यहाँ पे इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया। जैसे होता है ना, आप जैसे अब आपने वकील बन गए हो, वकील बनने के बाद अब आप जाओगे छोटे छोटे कोर्ट्स में अपना लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद ये चले गए साउथ अफ्रीका। 1914 में ये साउथ अफ्रीका चले गए वहाँ पे अपना लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। ये काफ़ी एजुकेटेड हो चुके थे इंग्लैंड से, क्योंकि पढ़ के आ चुके थे, और एक काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये बाहर जाने के पास भी इनके पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, तो ये बाहर भी गए और इन्होंने अच्छी सी एजुकेशन भी हासिल की और लॉ की पढ़ाई जाके साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने लगे। एक तो गांधी है नारा कि इतना मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि कोई भी शब्द गांधी जी के मतलब जो उन्होंने अचीव किया, कोई शब्द उसको, उनके अचीवमेंट को कोई बता नहीं सकता, बहुत ग्रेट था। इसीलिए उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया और बहुत नेशन के साथ कदम से कदम मिलाया। ठीक है, तो एक दिन जब वो जा रहे थे साउथ अफ्रीका में, और तब उन्होंने अपना अपने साथ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव फेस किया। साउथ अफ्रीका में वो जा रहे थे ट्रेन से, फर्स्ट क्लास में उनके पास टिकट भी था, वैलिड टिकट भी था उनके पास, लेकिन तब भी उनको एंट्री नहीं मिली। वहाँ पे उन्हें एंट्री नहीं मिली कि उनको कोच से निकाल के भगा भी दिया गया। तो उनको ये बहुत बुरा लगा कि भाई हमारे पास तो टिकट है, एजुकेशन है, सब कुछ, तो फिर इस तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमने क्यों झेला फालतू में। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे तरह तरह के जो साउथ अफ्रीका ने इंडियंस और भी कई कम्युनिटी के लोगों के लिए जो तरह तरह के एक्ट या लॉ बनाए हुए थे उनको अपोज किया। अपोज करने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था। जब उन्होंने वहाँ पे उन सब गलत सलत लॉ और रूल्स को अपोज किया, तो उनको उसका उनको बेनिफिट भी बहुत काफ़ी देखने को मिला। तो उनके दिमाग में आइडिया लग गया कि अब चलो यहाँ से निकल के अपने देश की तरफ बढ़ना चाहिए, और ये जब हमने अपना सब कलेक्ट किया है ये सब चीज़ें, तो अब हमको अपने देश में इम्प्लाई करना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करनी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी आए 1893 से 1914 का इनका दौर था अब्रॉड के लिए, फिर वापस आए। इन्होंने 1914 में आने के बाद, इन्होंने यहाँ पे आने के बाद कम से कम 4 साल तक जो इंडिया के करेंट सिचुएशन चल रही थी उसके बारे में स्टडी किया, उसके बारे में इन्होंने पढ़ाई। अब वो किताब वाली पढ़ाई नहीं, अपने आप अपने आसपास की सराउंडिंग को देखकर इन्होंने एनालाइजेशन किया कि हमको अब क्या क्या कैसे कैसे कदम उठाने चाहिए। इनका सबसे फेमस काफ़ी सारे इनके मतलब वो हैं मेथड्स रहे हैं। पहला मेथड था सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सही चीज़ के लिए हम फास्टिंग करेंगे, मतलब हंगर स्ट्राइक करेंगे, और हम इस चीज़ से क्या होगा, ये तो ना कोई अहिंसा लड़ाई दंगा होगी नहीं, और इससे क्या होगा, जो कोई बुरा कर रहा है हमारे साथ उसके भी दिमाग में एक मॉरल इम्पैक्ट जाएगा। एक सबसे बड़ा इनका हथियार सत्याग्रह था। दूसरा था इनका डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब ये वायलेंस नहीं करना चाहते थे इधर उधर के देशों से। तो गांधी जी की मेथडोलॉजी के अंदर पहला तो हमने देख लिया सत्याग्रह भी था, और दूसरा था इनका डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब ये बिल्कुल लड़ाई दंगे के खिलाफ थे, मतलब मार पीट, किसी को इंजरी, डेथ, इन सब के बिल्कुल खिलाफ थे। और इनका मानना ये था कि हम नॉन वायलेंस, शांति से ही हर चीज़ हासिल कर सकते हैं,
प्रोटेस्ट करके, अपने फंगस स्ट्राइक करके, बहुत सारे मेथड्स थे इनके पास। और इनका तीसरा मेन पॉइंट एक था स्वदेशी, मतलब स्वदेशी मतलब होता है कि अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना एक चीज़ और अपने ही लोगों के ऊपर खर्च कर देना। हम बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगाएंगे, हम बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये था स्वदेशी। स्वदेशी मतलब होता है प्रोड्यूस इन इट्स ओन कंट्री एंड स्पेंड ऑन इट्स ओन पीपल, अपने ही कंट्री से निकालना, अपने ही लोगों के ऊपर खर्च कर देना। और तीसरा था इनका बायकॉट भी था इनका मेथड। बायकॉट मतलब हम तुम्हारे चीज़ों को त्यागते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स, आपने हमेशा अभी भी तो चलता है हर चीज़ बायकॉट करो, हर चीज़ बायकॉट मतलब हम तुम्हारी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे अब। तो इनके काफ़ी सारे मेथड्स थे, इन्होंने चार साल जब आए तो इन्होंने ये सब चीज़ें एनालाइज़ की और लोगों को बताया। तो इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह से शुरू किया। सत्याग्रह क्या किया इनका, क्या था, ट्रुथ के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक या लोगों को उभारा और लोगों की मेजॉरिटी के साथ गए। सबसे पहले तो अपने गांधी लाइफ, अर्ली लाइफ के बारे में देख लिया कैसे क्या हुआ इनके साथ। अब देखो पॉपुलर सत्याग्रह क्या क्या थे इनके। पॉपुलर सत्याग्रह थे इनके चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में एक जगह है, 1917 की बात है ये, कि जब इंडिगो कल्टिवेटर के पास क्या था कि वो, अब जब ऐसा 1919 के टाइम पे ऐसा लॉ लगा दिया गया था कि उन कोई भी खेती किसानी वाला इंसान होगा उसको अपने खेत में समझो 20th पार्ट में, मतलब हर 20 भाग में हर 20 भाग के 3 भाग में इनको इंडिगो उगाना ही उगाना पड़ेगा, इनको इंडिगो उगाना ही उगाना पड़ेगा। दे वर बाउंड विद दैट लॉ, उनको हमेशा ये काम करना ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत नुकसानदायक थी सारे किसानों के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस एरिया के लोगों ने महात्मा गांधी जी को बुलाया और कहा कि आप हमारे साथ कुछ हेल्प करिए ताकि हम देख सकें। तो जब इन्होंने उनके साथ सत्याग्रह किया उन लोगों के साथ, तो फिर उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए और इन्होंने अपना गवर्नमेंट के साथ हला भला अपने अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट कर लिया, मतलब कि हाँ वो लोग भी मंजूर हो गए। ऐसा कुछ बेनिफिशियल लॉ बनाया गया कि गवर्नमेंट भी ठीक हो गई और लोगों को भी आज़ादी मिल गई। ठीक है, अब देखो दूसरा था अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। ये वाला सत्याग्रह क्या था, मिल जो फैक्ट्री या मिल्स के ओनर थे, अहमदाबाद तो इज़ फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क मिल्स, मिल्स होती है जहाँ पे हर चीज़ बनती है कॉटन के और सिल्क के क्लोथ्स वगैरह। तो जब ये अहमदाबाद सत्याग्रह में गए 1918 के बाद है, तो वहाँ के जो अंदर काम करने वाले लोग थे वो अपने जो तनख्वाह थी उनकी सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट चाहते थे, बहुत लो सैलरी में उनको काम करवाया जा रहा था और उसमें मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने भी गांधी जी को अर्ज किया कि आप कहिए इनसे कि हमको हमारी वेजेस होती है मतलब तनख्वाह में बढ़ोतरी करें। तो गांधी जी गए, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, सत्याग्रह एक मूवमेंट चलाया मतलब लोगों के साथ प्रोटेस्ट ही, कुछ प्रोटेस्ट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है प्रोटेस्ट किया। तो फिर गवर्नमेंट मान गई और उस टाइम इन्होंने मतलब स्ट्राइक हड़ताल भी लगा दी थी ताकि सारे जो मिल थे वो ठप हो गए थे, बंद हो गए। तब जब बंद हो गए तो फिर इनकम का कोई सोर्स नहीं बनेगा, तो इन्होंने सोचा कि अब इसका कोई चारा नहीं, हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने हर एक एम्प्लॉय की 35% इंक्रीमेंट कर दिया था सबकी सैलरी में। अब तीसरा पार्ट है आपका खेदा सत्याग्रह ये था कि मतलब अब जो टैक्स पेयर थे खेती किसानी, इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर कंट्री अभी भी है ये, तो खेती किसानी के बाद मतलब जो करते थे तो वो टैक्स पे टैक्स लगाए चले जाते थे, और जब क्रॉप ख़राब हो जाती थी किसी नेचुरल कैलामिटी से तो भी वो लोग टैक्स पे टैक्स मांग रहे हैं। तो इसको भी लेकर उन्होंने सत्याग्रह किया गांधी जी ने उन खेते अरे किसानों के साथ। और उन्होंने ये पाया कि जब उन्होंने ये सब सत्याग्रह किया और सब प्रोटेस्ट वगैरह किए तो उनको ये पता लगा हाँ हमको इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिल रहा है, इम्पैक्ट हमको बहुत देखने को मिल रहा है। वहाँ पे भी पीजेंट्स किसानों और गवर्नमेंट के बीच में हला भला सुलह हो गई थी। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ये सत्याग्रह पे ही चलने वाले थे गांधी जी। अब देखो इन्होंने 3-4 एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट होता है ना इंसान का, इन्होंने 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लिए, वो हर जगह सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए इनके। तो अब इन्होंने सोचा या सत्याग्रह कोई हथियार बना के अपना नेशन अंदर लेते हैं। तो जब इन्होंने सत्याग्रह वाला लॉन्च करने की कोशिश की तो 1919 के टाइम, देखो 1917 1918 1919 में इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, तो उसी टाइम क्या हुआ, ये 3 मेन ट्रेजिडियाँ हो गई। ये पहले ट्रेजिडी आपको बताता हूँ,
जब ये ट्रेजेडी हुई तो इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा। नॉन कॉपरेशन आप नाम से ही समझ सकते हो कि हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। भाई इंडिया पूरी कंट्री थी, ब्रिटिशर कोशी थे, सारे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे थे। तो गांधी जी का ये कहना था कि तुम इसके साथ कॉपरेशन करना छोड़ दो, तुम इनके साथ काम धंधा का सब करना छोड़ दोगे तो फिर ये अपना काम, इनका काम अपने आप बंद होगा और फिर हमारी बात अपने आप सुनेंगे ये लोग। इनको ये जबरदस्ती करना पड़ा, ये जाते सत्याग्रह वाले मेथड से, होता है ना मेथड वन मेथड टू, इनका मेथड वन था सत्याग्रह, उनसे उनको जाना था, लेकिन ऐसी ये तीन इतनी मतलब बड़ी ट्रेजेडियाँ हो गई कि इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा। सबसे पहला क्या था आपका, खिलाफत मूवमेंट। 1919 के दौर में वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, टर्की और ओटोमैन अम्पायर ये दोनों हार गए थे। तो इंडियंस के, इंडियन मुस्लिम्स ने ये सोचा कि अब अगर यहाँ पे ब्रिटिश नहीं हराए थे इन दोनों को, तो अब वो जो इंडियन मुस्लिम्स थे इन्होंने सोचा कि अगर सुल्तान, वो जो इंडियंस, इंडिया के मुस्लिम्स जो टर्की के जो हेड किंग थे उनको अपना इस्लामिक हेड मानते थे वो लोग, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये ब्रिटिश ने हरा दिया तो फिर हमारे मतलब मुस्लिम इस्लामिक इंटरेस्ट स्टेक पर आ जाएंगे, मतलब वो बहुत रिस्क पे चला जाएगा। तो इन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट शुरू किया ब्रिटिश से, इन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम हमारे जितने भी टेरिटरीज तुमने टर्की से या ओटोमन एम्पायर से सब लिए हैं उसको वापस करो, और जो वहाँ के खलीफा हैं और जो वहाँ के किंग हैं उनको उनकी पावर वापस करो। ये इनका खिलाफत मूवमेंट था इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से। तो यहाँ पे गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत सही टाइम है, यहाँ पे हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को मिला के एक अच्छा मूवमेंट अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमको उससे बहुत देखने को फ़ायदा मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, इस ट्रेजेडी में जब ये सब हो रहा था तो अली ब्रदर्स, दो बड़े लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन दोनों लीडर को गवर्नमेंट ने भड़काऊ भाषण के तहत इनको अरेस्ट कर लिया था, इनको जेल में डाल दिया था। तो ये खिलाफत मूवमेंट था, इसके वजह से भी इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा गांधी जी को। अब दूसरा आता है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि वो रॉलेट एक्ट ये था आपका, हाँ थोड़ा सा बस दिमाग में क्लिक नहीं हो पा रहा था इसलिए मुझे देखना पड़ा। रॉलेट एक्ट ये था कि आपका मतलब कोई भी इंसान को जब ये सब मूवमेंट होने लगा तो फटाफट से 1919 में रॉलेट एक्ट पास करा दिया गया। ब्रिटिश का दिमाग देखो, ये जब रॉलेट एक्ट क्या कहता था कि वो किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल, बिना किसी पूछताछ के अंदर कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो ये इससे मतलब लोगों ने बहुत अपोज किया इसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी इसको पास करा दिया गया। और इस एक्ट के अंदर ये था कि किसी को भी अपने अंडर में ले सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के, कुछ भी हो हम अंदर पकड़ सकते हैं। तो इसको भी बहुत अपोज किया गया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, लेकिन ज़बरदस्ती ब्रिटिश ने इस एक्ट को पास कर दिया। तो इसमें भी इसका भी एक बड़ा रीज़न था इसको बनने में, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शक्ल, मतलब ये भी इंटरकनेक्टेड हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। अब लास्ट है आपका जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, बहुत ही दुखी भरा इंसिडेंट था हमारा, मतलब उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा दुखी भरा था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको भी भड़काऊ भाषण के तहत लोग रॉलेट एक्ट से ही कुछ इंटर रिलेटेड करके इनको भी पकड़ के अरेस्ट कर लिया था लोगों ने, उन लोगों ने। तो जब वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस बारे में कि छोड़ो छोड़ो, तो वहाँ के अमृतसर में है ये, पंजाब अमृतसर में है, तो वहाँ पे वो वहाँ के जो मिलिट्री एग्जीक्यूटिव थे जनरल डायर, तो इन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करो। तो यहाँ पे जब ये लोग सारे मासूम बस प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं किया था इन्होंने, तो उसमें कई सारे वुमेन्स थी, बच्चे थे, आदमी थे, बूढ़े सब जवान थे, सब लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे तीन एग्जिट गेट थे, सारे एग्जिट गेट को बंद कर दिया, और वहाँ पे उन्होंने अपने सोल्जर से कहा कि तुम ओपन फायरिंग कर दो, और उन्होंने तब तक गोलियाँ चलाई जब तक उनके गोलियाँ ख़त्म नहीं होगी, टिल देयर एम्यूनेशंस वर एग्जॉस्टेड, तब तक उन्होंने गोलियाँ चलाई। तो इसको देखकर भी मतलब गांधी जी एक मतलब प्रोमिनेंट, एक उनका बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मोटिव था कि हम नॉन वायलेंस की तरफ से जाएंगे, तो उनको ब्रिटिशर की तरफ से ये चीज़ देखनी पड़ी कि मतलब कुछ भी किए बिना उन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो फिर उसको देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या था कि हम कुछ सामान नहीं यूज़ करेंगे आपका, कोई भी सारे मतलब पुलिस
जितने भी हर सेक्टर में जितने इंडियंस पहले थे सबको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिखाना था। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और बाकी सारे चीज़ें देखेंगे। तीसरे पार्ट में अपना चैप्टर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से बूस्ट करते रहो। थैंक यू वेरी मच।